श्री राम नहीं बोल रहे हैं क्या? हेलो, हाँ राम जी बोल रहे हो, अनुराग। राम जी बोल रहे हो ना? अच्छा, हाँ दादा जी। तो आपने अपनी जो बातचीत है वो रिले हो गई है, सुना आपने उसको? हाँ मैंने देखा था, आपने उस पर टेलीग्राम के मेन चैनल पर डाल दिया, मेन ग्रुप पे मैंने देखा था कल। नहीं, अभी उसका बाकायदा वीडियो बन के अभी आज गया है वो तो अच्छा आज मैंने कल कल ही देखा था, आज मेरे पास वो फोन नहीं था, अभी मैं देखता हूँ अभी। हाँ, तो हाँ देखना। कल तो रॉक क्लिप थी वो। हाँ, वो आपने सिर्फ वो ऑडियो रिकॉर्डिंग था वो कल। हाँ, नाउ दिस इज अ वीडियो। हाँ अच्छा, क्या किया आप लोगों ने? बातचीत की कुछ लोगों से? नहीं, हाँ मैंने बोला है कई लोगों से, अभी उन लोगों को डाउनलोड भी करा दिया। उसको उसको ऐसा मत करो, उसको जानते कैसा करो, लोगों के हाँ बीच में जाके संगोष्ठी करो, ये कुछ वीडियो हाँ साथ में बैठ के देखो और फिर उनसे चर्चा करो। हाँ वहीं से जो है ना फोन लगाओ, वहीं से जो है लाइव चर्चा भी हो सकती है, लिंक भी भेजा जा सकता है, गूगल मीट पे भी हाँ चर्चा हो सकती है। गूगल मीट वगैरह रखा हुआ आपने अपना? हाँ मेरे आईपैड में है गूगल गूगल मीट। हाँ, तो गूगल मीट पे हाँ भी चर्चा हो सकती है, इसमें भी चर्चा हो सकती है, तो लोग बाग हाँ अपने प्रश्न पूछ सकेंगे, उनको उसका जवाब मिल सकेगा, क्योंकि हाँ आम आदमी के ये एहसास में नहीं है कि इतने बड़े काम इतनी आसानी से हो सकते हैं। हाँ देखिए, मैंने वहां पर आपको समझाया था कि ये हाँ काम पहले वर्ष में ही संभव है, राइट? मतलब हम हाँ ये तो हाँ टैक्स फ्री भारत जो है वो 2025 में ही पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो हमने आपको बताया था कि एक राजकुमार गुप्ता जी मुझे ट्रेन में मिले थे, उन्होंने कहा कि साहब आप हाँ इसको पार्ट में बांट दीजिए जिससे लोगों को जो है ना वो पच सके। तो हाँ प्रॉब्लम पचने की है कि नहीं है? तो हाँ इसलिए फिर उसको जो है टैक्स को जो है अपन ने 5 सालों में बांटा है, राइट? हाँ जैसे कि आप, हमने कहा है कि 2025 में वो घट के 50% हो जाएगा, राइट? 26 हाँ हाँ में 25%, 27 में 10%, 28 में 5% और 29 में 0% हो जाएगा। 0% हो जाएगा, वो आपने स्लैब में डिवाइड कर दिया उसे दादा। हाँ, स्लैब में डिवाइड कर दिया जिससे लोगों हाँ को डाइजेस्ट हो जाए, नंबर वन। नंबर हाँ डाइजेस्ट हो जाए वो। टू जो है, जैसे हाँ ही जो 10 गुना जो आमदनी होने वाली है या मिनिमम 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति होने वाली है, वो बात भी हाँ हमने समझाई है। समझाई कि नहीं समझाई? हाँ समझाइए, आपने कल ही अभी बताया था उस वीडियो कॉल पे मुझे। करेक्ट, आज जो है नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों को 6,000 के जो है प्रतिमाएं पेमेंट दे फ्री। देंगे, राइट? आप हाँ, फ्री भी क्यों बांटना चाहते हैं? आप सामर्थ्य वही। और समृद्धि क्यों नहीं बांटना चाहते? हाँ यदि किसानों की आमदनी 5 गुना हो सकती है और उन्हें हाँ मजदूर ना खोजना पड़े, उन्हें बीज ना खोजना पड़े, उनके खेत में जो है 10 फिट गहरी खाई हो सकती है जिसमें छेद वाली मिट्टी की टाइल्स भी लग जाएंगी, चार तरीके के पेड़ लग जाएंगे, गौशाला हो जाएंगी और उसमें जो है एक्वा कल्चर भी चालू हो जाएगा, मधुमक्खियों का जो है ना से शहद भी पैदा होने लग जाएगी, हाँ गौशाला से जीवामृत, घन अमृत, केंचुए की खाद और माइक्रोब वाली खाद पैदा होकर हाँ सभी खेतों में अपने आप पहुंच जाएगी, हाँ तो और हर चीज के लिए भुगतान होगा लेकिन वो किसानों को नहीं करना पड़ेगा। इस बात हाँ के लिए किसानों के 3 अकाउंट खोले गए हैं। हाँ एक अकाउंट है जिसको हम 1 MSP या अर्निंग अकाउंट कहते हैं, दूसरा अकाउंट है कॉस्ट सेटलिंग या डेबिट अकाउंट, राइट? हाँ तो कॉस्ट जितनी भी सेटलिंग कॉस्ट कहते आएगी वो इस अकाउंट पे लोड होगी, और हैं। तीसरा अकाउंट है जो आप एसेट जनरेट कर रहे हैं। जैसे अज्यूम करिए कि आपने खेत में खाई खोदी, उसमें टाइल्स लगाई और चारों तरफ इसमें स्टॉप डैम की व्यवस्था की जिससे पानी जो है पूरे 12 महीने बना रहे और उसके दोनों तरफ जो है चार तरीके के पेड़ों का जो है भी लगाए गए और जो जी उसकी हॉरिजेंटल डगालें काट दी तो पेड़ जो है हाँ वर्टिकली ऊपर जाने के लिए मजबूर होगा कि नहीं होगा? जी होगा होगा जब पेड़ ऊपर जाने के लिए मजबूर होगा तो उसको साधने के लिए जड़ें नीचे जाने के लिए मजबूत होंगी कि मजबूर होंगी कि नहीं होंगी?
हाँ, तो वाटर कॉस्टिंग जो होगी वो कम होगी, मतलब जो वाटर पेड़ पौधे। हाँ, हार्वेस्टिंग जो है, वाटर जो वाटर जमीन के हार्वेस्टिंग। अंदर फास्ट तरीके से चला जाएगा, हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग हो यही जाएगी। यही कारण जो है पानी को जो है रोकने के लिए टाइल्स नहीं लगाई हैं। मेंटेनेंस हाँ, आसान हो इसके लिए टाइल्स लग रही हैं, क्योंकि उन टाइल्स में छेद रखा गया है। बाकी नहरों में क्या करते हैं, प्लास्टिक की पन्नी लगाते हैं जिससे पानी जो है ना नीचे ना जाए, राइट। हम इसका उल्टा कर रहे हैं, हम छेद कर रहे हैं जिससे पानी नीचे जाए। हम पेड़ जो है ना लगा रहे हैं, और पेड़ भी फलों के लगा रहे हैं, पेड़ जो है औषधियों के लगा रहे हैं, पेड़ जो है सुगंधित पौधों के लगा रहे हैं, और पेड़ लगा रहे हैं जिनसे कि जिनकी पत्तियों से गायों को खाद्यान्न मिलेगा, खाद मिले उनको, खाना मिलेगा, तो खाना उन्हें मिलेगा। जो है ना केवल भूसा नहीं खाना पड़ेगा, बल्कि हाँ, उन्हें प्रोटीन रिच जो है पत्तियां मिलेंगी, न्यूट्रिएंट मुनिंगा रिच खा जैसी, न्यूट्रिएंट रिच खाना मिल न्यूट्रिएंट्स जाएगा उन्हें। न्यूट्रिएंट्स खाना मिलेगा, और साथ में औषधि वाली पत्तियां भी रहेंगी, लॉन्गिटिविटी वाली भी पत्तियां रहेंगी। तो जो दूध ऑलरेडी अमृत तुल्य है गाय का, वो औषधि पूर्ण और लॉन्गिटिविटी वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, उससे लोगों की हेल्थ पे भी फर्क पड़ जाएगा। आज जो दूध कैंसर कर रहा है, वही दूध आपको स्वस्थ रखेगा और आपकी उम्र भी बढ़ाएगा, हाँ बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? हाँ तो ऐसी हेल्थ का कॉस्ट भी कम हो जाएगा फैमिली में। हेल्थ, सभी निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे, हाँ, तो सभी वो जो लोगों मेन का जो है हाँ एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, और हाँ वो भी जो है उसकी कॉस्ट उससे नहीं लगेगी, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में अमाउंट कर देगा। हाँ अब आप ये बताइए कि जो गाय है वो गायों के हाँ सेड बनेंगे, और सेड जो है तो कीमत आपसे नहीं लगेगी। ब्रीडिंग सेंटर पर देसी गायों का जो है, उच्च कोटि की देसी गायों की जो है ना ब्रीड पैदा होगी, जो आपके खेत में बने हुए सेड में पहुंच जाएंगी, और उस गाय का आपको पैसा नहीं देना होगा। हाँ उस गाय को नहलाने धुलाने के लिए टीम आएगी मशीनों के साथ, जो उसे नहलाएगी धुलाएगी सजाएगी, और हाँ उनकी आरती उतारी जाएंगी, और सभी खेतों के बीच में एक कॉरिडोर होगी जिसमें गायें हाँ जो है ना भ्रमण कर पाएंगी। वहां पर मंत्र चलेंगे, वहां पर उनको चारा, पत्तियां, औषधियां, इस तरीके की चीजें खाने को मिलेंगी। तो भगवान हाँ कृष्ण को छोड़कर, भगवान कृष्ण के हाँ समय जो वृंदावन जैसा था, वैसा ही निर्मित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भी। गायों की पूजा संभव होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी, लोगों के अंदर जो अवेयरनेस भी जाग जाएगी तो जो आपकी गौशाला का जो है उससे जीवा अमृत, घन अमृत और ये सब बनेगा, और जो दूसरे खेतों में जाएगा उसका भुगतान आपको मिलेगा, और वो जो है आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। आपके आपकी जो खाई खुदी हुई है उसमें पानी भर के उसमें एक टीम जाएगी जो कि एक्वा कल्चर करेगी, उसमें मछलियां भी डालेंगे, उसमें सिंघाड़ों के प्लांट भी डालेंगे, उसमें जो है ना कमल ककड़ी भी पैदा की जाएगी, और भी जितनी चीजें संभव हैं, क्योंकि पानी के अंदर उगने वाले सभी जीवाणु, वनस्पतियां सभी प्रोटीन में रिच होंगी, और ये प्रोटीन में रिच होती हैं, फाइबर में रिच होती हैं। यदि इनका चूरा बनाकर और आटे के साथ मिला दिया जाएगा, तो जो मल्टीग्रेन आटा होगा वो औषधि युक्त भी हो जाएगा, प्रोटीन युक्त भी हो जाएगा, उसमें लॉन्गिटी भी वाली दवाएं भी होंगी। और ये सब कहाँ पे पैदा होगा? जो अपने फार्मर फील्ड। प्रोड्यूसर हाँ, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर। बनेंगी, और वहां पर जो है ना ये पैदा होगा, और ये उस समय पैदा होगा जब आपके खेतों में काम नहीं होगा। तो लोगों को जो है ढेर सारे काम मिल जाएंगे, और उन्हें 12 महीने काम अवेलेबल होगा, और उनकी न्यूनतम जो है, और वो सभी किसी के नौकर नहीं होंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, वो मशीनों के साथ जाएंगे, गाड़ियों में बैठ के जाएंगे, क्वालिटी काम करेंगे, वहां पर मंत्रों की धुन चलेगी जिसमें उनको आनंद आएगा। यदि वो ट्राइबल हैं या और कोई हैं, तो उनके उनके कल्चर के हिसाब के वहां गाने चलेंगे। यदि बीच में उनका मन करेगा तो वो कस्ट्यूम पहनकर नृत्य से लेके हर काम कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हाँ, हैं। मेंटल मेंटल इफेक्ट भी पड़ेगा लोगों का, जो माइंड, जो पावर होगी वो भी बढ़ जाएगी। हेल्दी बिल्कुल बढ़ेगी, हेल्थ और हेल्थ जो है विदेशों से लोग उनको देखने आएंगे, और उसके ऊपर टिकट मिलेगा, टिकट लगेगा, टूरिज्म इंक्रीज, टूरिज्म तो इंक्रीज उससे होगा। उससे भी इनकम होगी, हाँ, टूरिज्म इंक्रीज हो जाएगा। टूरिज्म इंक्रीज होगी, वहां पर खेतों में कुछ कुछ जो है ना
गेस्ट रूम टाइप के बना दिए जाएंगे, जिसमें गांव का हाँ वातावरण निर्मित किया जाएगा, जिसको वहां हाँ रहने के लिए यूरोपियन जो है 10,000 रुपए प्रति रात ही देंगे, क्योंकि उसमें मॉडर्न सुविधाएं भी होंगी और गांव की सुगंध और गांव की फील भी होगी, दोनों चीजें हाँ होंगी उसमें। हाँ जहां दोनों उसमें जो है दोनों ना मॉडर्न एमिनिटीज होंगी, वहीं उसमें मिट्टी से लिपाई होगी, गोबर से लिपाई होगी, गोबर से जो है होंगी। ना और उससे जो है ना उसके वहां डिजाइन बनाई जाएंगी, तो एक ऐसा जो है ना इकोसिस्टम वहां दिखाई देगा जो यूरोपियन और जो बाहर के फॉरेनर्स हैं उन्हें पसंद आएगा, तो वो एक रात में उस एक हट में रहने के 10-10 हज़ार रुपए प्रति रात देंगे, और हाँ। ये पैसा भी जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। और तो जो अपना प्रिमिटिव कल्चर है दादाजी, वो भी इंक्रीज होगा फिर तो इस हिसाब से, तो टू ये मिलियन मतलब। बिल्कुल कल्चर और वो होगा, और लोगों को जो शिक्षा मिलेगी उसमें वेदों की शिक्षा दी जाएगी, और वेदों की आधार ज्ञान पे आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, जो आज की पुस्तकें हैं जो आपकी हिस्ट्री जो है ना डिस्टॉर्ट कर दी है वो सब बदल जाएगी। जो पहले लोग लोगों आज आज को जो लो आज लोग जो है गाइड को लेके उसे पटाकर अपनी डॉक्टरेट लेते हैं, वो हाँ, राष्ट्रहित के सब विषयों पर ही रिसर्च संभव होगी। लोगों को अपना रिसर्च में फ्री विदेश जाने का कंपोनेंट भी होगा, जिससे जो हाँ डॉक्यूमेंट यहाँ गायब हो गए हैं और विदेशों की लाइब्रेरियों में अवेलेबल हैं, विदेशों की पांडुलिपियों में अवेलेबल हैं, उनको भी जो है ना दोबारा प्राप्त करके भारत का जो वैदिक ज्ञान, भारत का जो ज्ञान लोगों ने जला दिया है, उसको पुनः वापस हाँ लाया हाँ जाएगा। आप ये बताइए, कोई भी ऐसा सोच रहा है क्या मैथिली शरण गुप्त को हटके? नहीं, अभी तक नहीं सोचा। ये जो इस जो मतलब ये अंदर ये मतलब नींव है, ये नींव की तरीके से अपन ने जो निकाल रहे हैं, जो बिल्कुल तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इन वीडियो को वहां सुना जाए, लोग वालों को कहा जाए कि वो अपने पॉइंट नोट कर लें, उसी समय आप फोन लगा के, उसी समय पे आप वीडियो कॉल लगा के गूगल मीट पे, या हम लिंक भेज देंगे तो लाइव चर्चा हो पाएगी जिसे दुनिया देखेगी। जो आप प्रश्न पूछेंगे उनका आपको जवाब मिल पाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ना तो हम आपको ज्ञान बांट रहे हैं, ना सही हम आपको कष्ट दे रहे हैं। जिन लोगों बात। को हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, पूरा ज्ञान उनको देंगे, उनको सिखा पढ़ाकर जो है टूल्स के साथ में भेजेंगे, जो आपको बिना कष्ट किए, बिना पैसे चार्ज किए आपका काम करके जाएंगे, तो आपको ज्ञान की जरूरत है क्या? नहीं। हाँ आपको लाभ पूरा मिल रहा है, 1 बन MSP आपको जो है ना बिना हाँ बिना जो है मंडी में जाए, आजकल देखिए मंडियों में कितना दोहन होता है कि नहीं होता है? लोग सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं, लोग इसमें, और जो हाई दाम पे फिर आगे जाके बेचा जा रहा है वो उसे यहाँ वो पे जो। स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर कंज्यूमर को अधिकतम 3 MSP में मिल जाएगा, आज उसे 6 और 7 MSP में भी नहीं मिल रहा है, और बीच की जो चैन है उसे पैसा नहीं लगाना होगा, राइट? तो जी जी क्योंकि मालिकाना हक किसान का बना रहेगा, तो चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल वाला हो, चाहे पैकेजिंग वाला हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वेयर हाउसिंग वाला हो, चाहे होलसेलर वाला हो, चाहे रिटेलर हो या होम डिलीवरी वाला हो, ये सब क्या हो गए? सर्विस प्रोवाइडर। तो ओ सर्विस ये प्रोवाइडर जो प्रोवाइडर सेवाएं देंगे उसके अनुपात में इनको भुगतान मिलेगा, और जी वो भुगतान कहाँ से मिलेगा? जिस किसान का माल है उसके डेबिट अकाउंट से या कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से मिलेगा, तो वो किसान को पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं जब करना जितना भी पड़ेगा। हम खर्च कर रहे हैं डेबिट अकाउंट से, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से, जब उसकी भरपाई हो जाएगी तो वो सब पैसा भी कहाँ जाएगा? खर्चा निकालने के बाद कहाँ जाएगा? किसान के अर्निंग अकाउंट में। तो आज किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है, आज से 5 या 10 साल जब सभी कॉस्ट सेटल हो जाएंगी तो वो आमदनी बढ़ के 10 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 10 गुना तो इसमें उसकी जेब का कोई पैसा खर्च हो रहा है क्या? जाएगी। नहीं हो रहा। क्या उसे जो है लोगों को जोड़ने में पैसा खर्च करना पड़ रहा है क्या? नहीं करना पड़ रहा है। नहीं, क्या उसे कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है? और लोग जो जो कई सारे जो लोग हैं अभी ब्लू पॉवर्टी लाइन में भी आ रहे हैं, उनका भी जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, पर तो वो अपने आप को जो है गरीब नहीं समझेंगे। नहीं, केवल गरीब ही नहीं समझेंगे, ओनर समझेंगे अपने आप सिस्टम को मालूम है कि आज इनकी आमदनी 2 लाख या उससे अधिक होगी, 2 लाख तो न्यूनतम है, को। राइट?
बहुत सा अधिकांश लोग 2 लाख से ज्यादा कमाएंगे, कोई 4 लाख कमाएगा, कोई 5 लाख कमाएगा, कोई 10 लाख कमाएगा, न्यूनतम जो है एक परिवार 2 लाख रुपए कमाएगा, राइट। तो मिडिल क्लास सारे लोग जो है मिडिल क्लास में आ जाएंगे, फिर सारे एक तरह लोग बढ़ जो जाएंगे। है समृद्ध हो जाएंगे। हाँ, अब यदि आपकी आमदनी 2 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति माह है, तो आपको अच्छे घर में रहने का हक है कि नहीं है? हाँ, जीडीपी में भी जो इंक्रीज है वो जीडीपी भी, जो है 10 गुना बढ़ जाएगी। हाँ, इससे तो और पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है पूरा कवरेज हो रहा है, वो तो एक चेन से लेके पूरा कनेक्ट, हॉलिस्टिक पूरा वो प्लान है, इस चीज से कनेक्ट करके बस हर चीज को कनेक्ट कर रहे हैं दादा जी से। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को खुद कष्ट नहीं उठाना है। हम जो ज्ञान जो देना है वो आदमी को नहीं दे रहे हैं, ज्ञान हम किसको दे रहे हैं, जिसको गारंटी के तहत हम रोजगार दे रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दी रोजगार जाएगी, उसको टूल्स दिए जाएंगे, तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्यों वो सर्विस प्रोवाइडर वो हो गया कि नहीं हो गया। तो पूरे सिस्टम में कोई नौकर नहीं रहेगा, सब सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो गए। देखो जो चलाया? पैकेजिंग कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर, जो ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर, जो वेयर हाउस में रख रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर, जो होलसेलर है वो भी सर्विस प्रोवाइडर, जो रिटेलर है वो भी सर्विस प्रोवाइडर, और किसी को अपनी संपत्ति नहीं लगाना पड़ रही है। तो आप बताइए, जो होलसेलर अभी लाखों और करोड़ों रुपए की संपत्ति लगाते हैं और कई बार उनकी फंस जाती है, राइट, जो ट्रांसपोर्टर रास्ते में जो है ना जिनका मर्डर कर दिया जाता है, और जो है ट्रक चालक पूरी संपत्ति लेके भाग जाते हैं, ऐसे कितने केस होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, आप बिल्कुल होते बताओ, हैं। इसमें ऐसा कोई केस होगा क्या? नहीं, नहीं नहीं होगा। होगा। तो आप बताइए कितना अद्भुत सिस्टम होगा। वो पूरा जो है, अब वो लोग, हाँ, अपन चीज ये चीज अपन समझ रहे हैं, लोगों को समझाना बोले एक एक करके सबको नहीं, जोड़ना लेकिन पड़ता है। लोगों को समझने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियो है उनको सुनते रहेंगे तो उनको विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि हम तो बड़े बड़े दिग्गजों से बात कर रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंटों से, वकील से, इससे उससे, हम कोई अनपढ़ गंवार से बात अकेला नहीं कर रहे हैं। तो हम अनपढ़ गंवार से भी बात कर रहे हैं, हम किसानों से भी बात कर रहे हैं, हम जो है श्रमजीवियों मजदूरों से भी बात कर रहे हैं, होटल वालों से भी बात कर रहे हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं। क्राइम फ्री दादाजी, क्राइम फ्री भारत का मोटिव ये है, वी फीलिंग वाला मोटिव है, वी आर ऑल सेम। वी आर नॉट ओनली सेम, वी विल कौन? ऑल जो है विल बी लिविंग इन ए इको सिस्टम जहां गुलामों के कानून नहीं होंगे, यस जहां पर जो जो व्यवस्था में बैठे जैसे हम जैसे मठाधीश लोग जिनको लॉर्ड्स यस कहते हैं, वो लॉर्ड किसी के यस साथ अन्याय नहीं करेंगे। सही वो बात यदि समय पर निर्णय नहीं लेंगे या गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना पड़ेगा। आज एक अच्छा, पटवारी बिल्कुल। गड़बड़ी करता है उसका कुछ बिगड़ता है क्या? नहीं, आज एक पुलिस वाला गड़बड़ी करता है उसका कुछ बिगड़ता है क्या? नहीं बिगड़ता, कोई बोल ले, हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की कि उससे जाके बोल सके, वो रिश्वत लेते हैं इससे। तो इस सिस्टम में जहां की पेपर करेंसी नहीं होगी, क्या कोई रिश्वत ले पाएगा? और उसकी आमदनी भी दुगनी नहीं, कर रहे हैं हम। और डिजिटल में, अगर डिजिटल में ले रहा है तो उसके पास रिकॉर्ड है कि हमने आपको इतना पैसा दिया नहीं है। नहीं नहीं रिकॉर्ड नहीं है, वो बैकएंड एआई इंजन जो है ना सब निकाल के रिपोर्ट कर देगा। रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं है, वो इविडेंस है, हाँ, एविडेंस है। और वो इविडेंस आपको नहीं खोजना है, वो पीछे बैठी हुई मशीन खोज खोज कर दे कहेगी कि अब इसने अपराध कर दिया, इसमें एफआईआर दर्ज करो, तो आपको एफआईआर दर्ज कराने नहीं जाना पड़ेगा, सिस्टम ही एफआईआर दर्ज करा देगा, सिस्टम सब इविडेंस दे देगा, अधिकतम 30 दिन में उसे सजा मिल जाएगी। तो बताओ, कोई मूर्ख है जेल जाने के लिए अपनी नौकरी को दांव पे लगाएगा क्या? वो नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, तो क्राइम करने से पहले ही डरेगा वो, और लोगों का फिर जो है इंटरेस्ट लोगों का बढ़ेगा कि क्राइम नहीं हो रहा है तो हम अपना एनवायरनमेंट और बढ़ाएं, इजी बिजनेस वाला हो जाएगा पूरा, लोग फिर आगे आगे बढ़ के काम करने के लिए आएंगे, ये कहीं डर नहीं रहेगा वो। देखिए ऐसा है कि आपको जब काम करने के लिए पैसे की जरूरत हो और आपके ही डेबिट अकाउंट मिल जाए बिना कर्ज के, तो बताइए हर कोई एंटरप्रेन्योर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जिसमें सोच है वो बन नहीं, जाएगा, 100%, 100%। जिसके पास सोच है वो व्यापारी बन जाएगा, हाँ, उसे अपने कैपिटल भी नहीं लगाना है। सर्विस प्रोवाइड करेगा, इससे लोगों को भी इम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब ये बताओ कि पेड़ों की संख्या 3 गुना करना है तो अकेले पेड़ों को उगाने के लिए जो ब्रीडिंग सेंटर होंगे, जो सैपलिंग सेंटर्स होंगे, वो कितने होंगे, कितने करोड़ सैपलिंग सेंटर की जरूरत होगी, और हर में एक सैपलिंग सेंटर में कितने लोग जो है ना लगेंगे, तो कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा?
अब आप ये सोचिए, ग्रेट। अभी सभी के घर बनेंगे और वो भी पीएम आवास योजना से नहीं बनेंगे, वो क्राइम फ्री हाँ भारत के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल से बनेंगे, और वो आपके पैसे से बनेंगे, लेकिन आपसे पैसा तब लिया जाएगा जब आपके 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति हो जाएगी। जब से ऐसा हो जाएगी। तो आप बताइए कितने करोड़ घर बनाना होंगे और उन घर को बनाने में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, फिर उन घरों की मेंटेनेंस की भी ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी, तो आपके घर मेंटेन्स भी हो जाएंगे, मेंटेन्ड भी हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जी हो जाएगी हो जाएगी। तो अब आप एक काम चालू करो, आप तो जी वहीं पे बैठ के ये वीडियो उनके साथ क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर सुनो, ठीक है ठीक और फिर उनसे एक एक क्वेश्चन पूछो, उसे वीडियो रिकॉर्ड करो है ठीक है और उसको मेरे पास भेज दो। जी तो उस क्वेश्चन को और उसके बाद जो जवाब है वो बना के हम जो है हाँ ना उसी चैनल पे अपलोड कर लेंगे, जो वो खुद देख लेंगे। जी तो ये काम करना चालू करो, ठीक है जी। और मैं आज से ही ये काम केवल अपने यहाँ पे मत करो चालू, ये जहाँ दोस्त हैं उनसे चालू उनके यहाँ पे कराओ। मैं जैसे ही दादाजी दिल्ली में जाऊंगा तो मैं अपने जो ग्रुप है मतलब जो सिविल में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको ये उनको उनके साथ ही ये उनका बताऊंगा, तो और लोगों के अंदर जो अपने अपने घर पे जोड़ेंगे अपने अलग अलग एरियाओं में। बिल्कुल ठीक। तो जब वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं तब वो ये काम करें, हाँ ठीक है ना। जी 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 हाँ। चलो तो तो वो ऑल इंडिया के जो लोग हैं वो लोग मतलब अलग अलग अपने यहाँ पे भी बताएंगे कैसा ऐसा चल रहा है, इससे लोग वो अपने एरिया में बता देंगे तो और लोग आप एक अंदर। काम करिए, लोगों के बीच में सुनिए, उनके प्रश्नों को सुनिए और फिर बाद में वहीं पे जो है शपथ कराइए और जी उसको जी शपथ जी दादा कराते हुए वीडियो बना के भेजिए, ठीक जी दादा जी जी दादा जी है ना। और अच्छे एक अच्छा सा रिकॉर्डिंग के लिए स्टैंड विस्टैंड कर लीजिए, जिससे हाथ बात नहीं हिलेगा, अच्छी क्वालिटी हाँ रिकॉर्डिंग करिए जी जी दादा जी और उसे जो है आप टेलीग्राम से मुझे भेज दीजिए, ओके तो ये 9 दिन में जो है चमत्कार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं 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 कोई संदेह नहीं है। क्या जो है किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी क्यों नहीं होगी। क्या 100% लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या न्यूनतम जो क्रय शक्ति है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा ही होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी हो जाएगी क्यों तो नहीं? जो जब 2 लाख रुपए क्रय शक्ति हो जाएगी तो वो डिजाइनर हाउस में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? रह पाएगा। उसका डिजाइनर हाउस जो है 25-26 में ही बन के तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और जो एक टीम जो घर बना रही है बाद में वही काम मेंटेनेंस का भी करेगी, तो उसकी हाँ एम्प्लॉयमेंट जो है ना कम होगा क्या कभी? हाँ उसको एम्प्लॉयमेंट की कभी कमी होगी क्या? नहीं नहीं होगी नहीं होगी। तो ऐसा जो भारत यदि जो बिना 5 पैसे खर्च पैदा हो रहा है और हम लोगों को जब जोड़ के छत पे चढ़ा के थाली बजा के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय हाँ नरेंद्र मोदी जी उसे मानने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे होंगे क्यों नहीं होंगे। वो 21 टास्क फोर्स के जो है ना वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे बिल्कुल। और जब वो 21 टास्क फोर्स बनाएंगे तो हम लोग छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरी 543 सीट जिता देंगे कि नहीं जिता देंगे? जिताएंगे जिताएंगे। तो राहुल गांधी और उनके जितने भी अन्य पार्टियों के लोग हैं सभी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हाँ बिल्कुल। और जो 21 लक्ष्य हैं वो जो हाँ है उनका आप देखिए, अब हम दोबारा भी डाल देंगे तो उसको हाँ भी पढ़ के लोगों को सुनाइए। जी जी मैं आज ही मतलब जो है कि ग्रुप में बैठा के कई 5-7-8 लोगों जो यूथ वगैरह हैं उनको मैं सुनाता हूँ। हाँ आप किसानों के पास बैठ जाओ, दादा सुनो इसको साथ में बैठ के, उनके पास बैठ हाँ जाओ, फिर उनके प्रश्न पूछो और उस प्रश्न को हाँ रिकॉर्ड करो जी और उसे जो है ना अलग अलग रिकॉर्ड करके भेजते जाओ, जी तो वो जो है ना उनके जवाब भी मिलने लग जाएंगे, जी जी है कि नहीं? जी दादा जी जी दादा। चलिए राइट राइट राम जी ठीक है। थैंक यू दादा जी धन्यवाद। चलो खुश रहो बेटे।